एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरीश साहू, अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो भाई, आपको पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सुगंध पूर्वक चल रहा होगा, ये मैं मान के चलता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। इसी कड़ी में मैं एक चीज लाना चाहूंगा आपके लिए कि कुछ दिन बचा हुआ एग्जाम का, तो आपका रिविजन पर फोकस तो चल ही रहा होगा, और कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में चर्चा हमने कर रखा है जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। किसके लिए? भी रिविजन के लिए। तो उन सबको रिविजन करते रहिए और कर भी रहे होंगे, होप, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर। तो रिविजन पर फोकस करते हुए हम कुछ चीज़ और बचा हुआ है, कुछ और पोर्शन बच गया है जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले भाई। तो आज हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर सर? हम कक्षा 10वीं विज्ञान के, आज हम टॉपिक कौन सा है सर? अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3, जो टॉपिक कौन सा है भाई? ऊष्मा और तापमान, मतलब क्या? हीट एंड टेम्परेचर, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर में बहुत ही सरल और बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, हलवा क्वेश्चन आने वाला है इससे। क्यों? क्योंकि सर ये क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ दे रहा है कितने नंबर, ये देता है इस चैप्टर से हमें टोटल मिलता है, एक 3 अंक का क्वेश्चन आता है, एक 2 अंक का क्वेश्चन आता है और 2 ऑब्जेक्टिव आता है भाई। तो 3, 2, 5, 2, 7 नंबर का आने वाला है इस यूनिट से। इस यूनिट में क्या कौन कौन से सर? एक है अध्याय 3 और एक है अध्याय 18, है ना, जो लास्ट वाली। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली अध्याय 3, जो हीट और टेम्परेचर पर बेस्ड है। तो अब मुझे बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है कि टेम्परेचर क्या होती है और हीट क्या होती है, फिर भी हम बात करते हैं कि अभी कुछ दिनों बाद ये जान जाओगे आप कि हीट क्या होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ने वाली है भाई। गर्मी पड़ती है तो सबसे पहले हमें सबसे माइंड में आता है कि तापमान बढ़ गया है हमारे नेचर का, या फिर ये बोलूं कि तापमान जो है हमारे सराउंडिंग का या फिर वायुमंडल का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये बोलते हैं। तो एक विचार कीजिए कि सर तापमान बस बढ़ने से पूरा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो जाता है? क्या इतना जरूरी है तापमान का होना? क्या तापमान जो है कई डिपेंड करता है आग से या फिर ऊष्मा से या फिर ऊर्जा से, ये रिलेट करता है क्या? तो मैं बता दूं, साफ साफ शब्दों में बोलूं अगर, तो भाई देखो, ये जो टेम्परेचर को नाप रहे हैं या फिर जो ताप को नाप रहे हैं उसके लिए कुछ तापमापी होती है, वैसी ही ऊष्मा का एक रूप होता है, सॉरी ऊर्जा का ही एक रूप होता है जिसे ऊष्मा बोलते हैं, उसको नापने के थर्मोस्कोप भी होता है। गैलीलियो सर ने बताया था इसके बारे में, ये कुछ जानकारी थी बेसिक जो कि चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब सर ये ऊष्मा होती क्या है, या फिर ये ऊष्मा जो है या फिर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी जो है, वो क्या फील कराती है, फिर होती क्या है, इसका अगर बात करें तो थोड़ा देर में इस पर चर्चा करेंगे। तो लेकिन ये चीज़ तो आप पता ही होगा कि टेम्परेचर को मापने के लिए भी, ताप को नापने के लिए कुछ क्या है भाई, थर्मामीटर होती है जो डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाता है। बीमार पड़े होंगे कभी, या फिर कभी आपको ये है कि कहीं जाना हो गया हॉस्पिटल, तो नोटिस करना कि कुछ यंत्र लेके आते हैं डॉक्टर जिससे आपको टेम्परेचर बताते हैं, या तो आपके बाजुओं से साइड से टेम्परेचर देखते हैं, या तो फिर क्या करते हैं भाई, टेम्परेचर को ओरली देखा जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था सर, वो जो क्या करते थे, एक लाते थे थर्मामीटर, उसको मुंह के माध्यम से टेम्परेचर मापने के लिए दिया जाता था, फिर ये सब होता था सर, फिर टेम्परेचर मापने के बाद पता चलता है कि इसका मापन के बाद मुझे इतना टेम्परेचर, इतना ताप मुझे पता चला, जो कि नॉर्मल शरीर से क्या है भाई, नॉर्मल शरीर के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इसको फीवर है, इसको बुखार है, ये करके डॉक्टर के द्वारा क्या दिया जाता था, मेडिसिन दिया जाता था, ये तो पता ही है। लेकिन आफ्टर ये सब चीज़ के बाद कोविड आया बच्चों, कोविड आने के बाद मतलब लॉकडाउन हुआ, तो उस बीच में क्या हुआ, एक इंसान को दूसरे इंसान से तकलीफ होने लग गया, मतलब उनके संपर्क में नहीं आना, ये हमारा क्या था उस टाइम का लक्ष्य था। तो ये सब होने के बाद सबका तबीयत खराब हो जाने से क्या हो रहा था भाई, डॉक्टरों के पास क्या हुआ, एक सॉल्यूशन आया क्या, कि अगर मैं किसी का टेम्परेचर नापूं तो उसको मैं बार बार ओरली या फिर मैं बाजुओं को टच करके या फिर मैं उसके पीठ से उसका टेम्परेचर देख कर ना मेजर करके मैं क्या करूं भाई, उसके लिए एक आया क्या IR, मतलब जो है बहुत अच्छा टेक्निक है, उसके माध्यम से, इंफ्रारेड बोलते हैं, उसके माध्यम से दूर से ही बिना टच के ही मैं टेम्परेचर माप देता था, जो कि कोविड टाइम में बहुत चला है ये, और आज भी इसका यूज होने वाला हो ही रहा है बोल सकता हूँ। तो ये सब क्या करता है सर, ये सब चीज़ें पूरा टेम्परेचर मापने के लिए, तापमान मापने के लिए इसका पूरा यूज किया जाता है। ये क्या है भाई, तापमापी बोल सकता हूँ मैं, थर्मामीटर जो कि तापमापी है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब अगर बोला जाए कि सर ताप होती क्या है, एक्चुअल में टेम्परेचर या फिर ताप होती क्या है, इसके बारे में बात करूं, तो ये चीज़ तो पता ही है कि जब भी बात करूं तो कंपैरिजन में बात करना पड़ता है ताप का। कैसे? आज सर्दी की मौसम है सर, सर्दी की मौसम में टेम्परेचर कितना होता है भाई, कम हो जाता है सर। अगर मैं गूगल मैप देखूं या फिर मैं अगर गूगल में सर्च करूं कि टुडे टेम्परेचर, तो तुरंत पता चलता है सर 24 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। और ठंडी कुछ ज़्यादा ही जब पहले था, बीच में अगर बात करूं सर्दी के मौसम बोली तो, अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात करूं, तो उसमें टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस तक उतर जाता है। तो सर ये क्या है डिग्री सेल्सियस,
ये कैसे टेम्परेचर का मूवमेंट हो रहा है, सर्दी गर्मी में अलग हो रहा है, ये क्या है भाई? तो अगर कंपेरिजन करके बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ ताप को ठंडी ठंडी में तापमान का जो लेवल कम है उसके अपेक्षा जो गर्मी में तापमान का लेवल ज्यादा है सर, तो लेवल के जो डिफरेंस है वो बताता है ताप को। अभी ताप जो है एक कहा जा सकता है एक गर्म चीजों और ठंडा चीजों को कंपेरिजन करके बोलूँ तो हाई ताप मतलब हाई टेम्परेचर, एक होती है लो टेम्परेचर, तो उसमें मैं कंपेरिजन करूंगा तो मुझे पता चलता है ताप के बारे में। तो ये चीज साफ साफ बोल सकते हो कि सर कि अगर कंपेरिजन की बात आए तब जाके हमें ताप का क्या पता चलता है, गुणधर्म पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई। अब ये ताप तो माप लेता हूँ सर, ठीक है, लेकिन ताप मापने का कुछ तो पैमाना होता होगा, जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले ही बोला डिग्री सेल्सियस, तो ये डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, केल्विन भी होता है, ये भी ठीक है। अब केल्विन भी होता है सर डिग्री सेल्सियस, जैसे घरेलू यूज किया जाता है ये वाला आपका थर्मामीटर सबसे पहले किया जाता था और अभी भी चलता है, उसके बाद कोविड में क्या हुआ, कोविड के बाद क्या हुआ भाई, कोविड के बाद ये वाला यूज किया जा रहा है ना। अब ये हुआ सर, ठीक है, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक होती है केल्विन नाम के वैज्ञानिक था, उन्होंने भी बताया कि इसके बारे में केल्विन से भी मैं ताप को माप सकता हूँ। और एक फॉरेनहाइट था, तीन मात्रक है किसका भाई, तापमापी का, जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई, बेसिक जानकारी भी है। अगर आपको पूरा डिटेल्स वीडियो चाहिए तो हमारे ऐप में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया है इसके बारे में बच्चों, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, तो हाँ हम क्या बात कर रहे थे, अब डिग्री सेल्सियस के बारे में तो बात कर दिया था सर, फारेनहाइट के बारे में भी बात कर दिया, केल्विन के बारे में भी बात कर दिया। ये सब होने के बाद क्या होता है भाई, ये सब होने के बाद उसको टेम्परेचर में माप लेता हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है सर फीवर है या फिर इस जगह का टेम्परेचर कितना है, ये पता चल जाता है। फिर ये तो बात हुआ किसका, ताप का। अब हम बात करते हैं भाई ऊष्मा का, जो कि हमारे चैप्टर का पार्ट है ये। अब ये ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा जो हमें अनुभव कराता है टेम्परेचर का, ताप का अनुभव कराने वाला जो चीज है वो कहलाता है ऊष्मा, ये तो पता ही है। ठीक है, अब ऊष्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया। अब अगर मैं बोलूं साफ साफ शब्दों में तो ऊष्मा का कहीं ना कहीं रिलेशन जो है किससे संबंधित है भाई, ऊर्जा से, ऊर्जा का संबंध ही है किससे भाई, ऊष्मा से। अब ऊष्मा अगर एक तरीके से बोल सकूं मैं दूसरे शब्दों में तो ऊर्जा बोल सकता हूं। अब ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कोई जो आपके बोलूं आप कुछ काम कर रहे हो तो काम के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी के कैसे करते हो, आप खाने पीने से, जो जीव का विकास से लेकर अनुवांशिकी भोजन सब चीज पढ़ लिए हो भाई आप, है ना। अब वो सब पढ़ने के बाद उस एनर्जी का जो आपके अंदर में वृद्धि हुआ, आप इतने हष्ट पुष्ट हो गए या फिर ये बोलूं कि आप इतने बड़े हो गए तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें क्या हो सकता होगी। अब वो उसमें जो है एनर्जी में यूज होता है, सॉरी जो आपकी एनर्जी है वो यूज होगा किसी वर्क में, तब जाके क्या पलता है भाई, तब जाके आपके बॉडी तंदुरुस्त रहेगा, आपको वर्क होगा, आपको पेमेंट मिलता है, आपको फीस मिलता है, आपको काम करते मतलब आगे बढ़ते हैं, तब जाके आप बड़े बड़े पोस्ट भी जाते हैं, या फिर ये बोलूँ घर में भी आपको काम करना पड़ता है, या फिर ये बोल सकता हूँ सामान को एक जगह से दूसरे जगह भी स्थानांतरण के लिए भी आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसमें क्या आवश्यकता होती है। तो ये उसमें के बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई, तो उसमें बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए और एक नेचर के लिए, एक प्रकृति के लिए भाई, और ये उसमें का ही अध्ययन करेंगे। और एक चीज बेसिक जानकारी दे दूं, हमें साफ साफ बोलूं अगर तो उसमें हमें कहाँ से मिलता है भाई, अगर बोलूं तो आग जलता है तो आसपास के वातावरण को देखिए हीट हो जाता है बच्चों, हीट हो जाता है मतलब क्या, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, ताप का बढ़ना, यहाँ पर ऊर्जा का बढ़ जाना कहीं ना कहीं किसको बताता है सर, ऊष्मा को बताता है। बात समझ में आई भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब ये सब पूरा हमारे इस लेक्चर में है, हमारे इस वीडियो में है, हमारे इस चैप्टर में भाई, इसके बारे में हमने बात कर रहे भाई। अब ऊष्मा का संचरण भी किस कितने माध्यम से होता है सर, इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है कि ऊष्मा जो सिर्फ सिर्फ ताप से मिल रहा है सर, सॉरी आग से मिल रहा है, तो ये संभव है क्या, क्या कुछ और तरीका है, क्या लाइट मतलब प्रकाश की किरणें से भी ऊष्मा मिलती है, क्या उसका जो सोर्स है वो कहीं और नदियों से डिपेंडेंट है, क्या एक छड़ अगर लूँ तो छड़ कैसे गर्म होता है, कैसे ठंडा होता है, इसके से संबंधित है, तो उसके बारे में चलते हैं भाई। तो ऊष्मा को मैं मेनली मैं तीन भागों में बांट सकता हूँ, किसमें भाई, ऊष्मा का संचरण मतलब उसका मूवमेंट को मैं तीन भागों में बांट सकता हूँ किसी चीज़ के बारे में, एक होती है चालन और दूसरा होती है क्या बच्चों, वो होती है संवहन और तीसरा होती है भाई विकिरण। यहाँ तक की बात समझ में आई। चालन को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, उसको बोलते हैं कंडक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्शन, और कंडक्शन बोल सकते हैं, है ना, बोलते हैं मतलब, याद रखना भाई। और संवहन को क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। और जो बच गए विकिरण, विकिरण रेडिएशन, रेडिएशन आमतौर पर
कॉमन शब्द है, मतलब ये बोलूँ कि उसको बहुत ज़्यादा सुने हैं, रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन की वजह से, मोबाइल के रेडिएशन से ही बहुत बीमारी फैल रहा है, चिड़िया दिखाई नहीं दे रहे, बहुत वर्ड हम लोग डिस्कस करते रहते हैं बोलचाल की भाषा में, है ना। तो विकिरण, विकिरण भी किसके, ऊष्मा का संचरण का भी क्या है भाई, ये पार्ट है क्या, रेडिएशन। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग जैसे ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन में जब इसका डिस्कशन करेंगे, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में, तो और इसका पूरा डीप में और अच्छे समझाऊंगा आपको। तो देखो कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ चालन कंडक्शन के बारे में, तो ये क्या होता है, और उसके बाद चलेंगे संवहन, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, फिर देखेंगे विकिरण का भी कैसे यूज होता है सर, प्रकाश कैसे क्या कर देता है, ऊष्मा का संचरण करता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग कर देंगे भाई। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई चालन। अब चालन का मैं बात करूँ तो कंडक्शन क्या बोलता है, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, मैं बात करूं कि छड़ लिया, छड़ को मैं हीट करना चालू किया, कहां से भाई, एक एक साइड के, मतलब मैं बोलूं कि इसके राइट साइड से अगर मैं हीट करना चालू किया, राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड जो भी है एरिया जिधर मैं हाथ रखा हूं या फिर ये पकड़ा हूं, ऐसा ऐसा बोल सकता हूं, इधर से मैं हीट करना चालू कर रहा हूँ लेफ्ट साइड को, और राइट साइड का जो एरिया जिधर मैं पकड़ा हूँ उधर भी हीट हो जाता है, या फिर इधर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हीट होना मतलब एनर्जी ज्यादा हुआ, एनर्जी जैसे ज्यादा हुआ मतलब यहाँ का जो तापमान है जो बढ़ रहा था वो भी इधर स्विंग हो जाएगा, मतलब इधर मूव हो जाएगा, तो तब जाके इधर का भी हीट हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या रहता है सर, चालन के गुण है इसमें, ऊष्मा का संचरण हो रहा है इसमें, चालन हो रहा है। अब ये कैसे होता होगा, सर चर्चा करते हैं भाई। अब मैं यहाँ पर हीट कर रहा हूँ तो सर यहाँ के जो क्या है अणु है, अणु मतलब छोटे छोटे जो कण है, वो क्या होगा भाई, उसमें उसमें ऊर्जा आएगा, मतलब वह ऊर्जा जो क्या कर सकता है भाई, माध्यम के एक ही अणु, जो एक ही क्या है भाई, एक ही प्रकार के अणु है, जितने प्रकार के अणु है वो एक जगह पर्टिकुलर स्पेस में क्या करेगा, वो गर्म होगा, वो चलना चालू करेगा। अब वो चलना चालू करेगा वो मतलब क्या, वो चलना चालू करेगा मतलब गतिज ऊर्जा उसमें आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आएगी उसमें ऊर्जा आ गई, तो क्या होगा भाई, ताप को बढ़ा देता है। तो मैं एक ही जगह को हीट करना चालू किया मैं, है ना, एक ही जगह को हीट करना चालू किया मैं, तो ये क्या होगा सर, यहाँ पे गतिज ऊर्जा आ जाएगी, मतलब इसमें एनर्जी आ जाएगा जो कि मूवमेंट करना चालू करेगा, मूवमेंट मतलब क्या, चलना चालू करेगा। अभी चलना चालू करेगा तो सर इधर से क्या होगा, यहाँ का ताप जो है बढ़ रहा था वो अब इधर की ओर स्विंग करेगा, अच्छा यहाँ का जहाँ ताप है ना, इधर को स्विंग करेगा, इधर के अणु इधर चलना चालू करेगा, फिर इधर जो हीट था, अगर मैं बात करूँ, अगर चलो डिग्री सेल्सियस में बात करूँ, अगर इधर जो है चलो ये 40 डिग्री सेल्सियस था गर्म करने पर, फिर इधर का शुरू में कितना था बच्चों, ये जो शुरू में था चलो ये 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, अब ये ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, कुछ देर बाद देखता हूँ 5 मिनट बाद ये 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर इधर देखता हूँ धीरे 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 इधर भी हीट होना चालू हो रहा है, अगर ये इधर हीट हो रहा है सर, इधर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर क्या पता चलता है कि इधर के भी टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो ये 25 नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे करके 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, फिर 10 मिनट बाद देखता हूँ ये 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इधर क्या हो रहा है बच्चों, इधर भी मेंटेन करने के लिए ये भी बढ़ता जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब जितना इधर टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा धीरे 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 करके इधर के भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ये प्रोसेस होता रहता है, इसको क्या बोलूंगा मैं, चालन की प्रक्रिया हो रही है, या फिर ऊष्मा का जो संचरण है चालन, वो यहाँ पर हो रहा है, जो छड़ जो है कैसे एक समान रूप से गर्म होना चालू हो जाता है। और ये कुछ बेसिक जानकारी कैसे, जो जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा वो क्या होता है, वो जो है ठंडे की ओर जाने की कोशिश करेगा, मतलब जिसका ताप ज्यादा वो कम की ओर चलना चालू करता है, या फिर ये बोलूं जो अधिक, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इन्वेस्ट करने के लिए या फिर वो खर्चा करने के लिए दौड़ता है, खर्चा कम मतलब खर्चा ज्यादा करता है पैसा कम करने के लिए दौड़ता है बोल सकता हूँ, है ना, मतलब साफ साफ शब्दों में बोलूँ, जिसके पास जितना पैसा वो उतना ज्यादा शॉपिंग करेगा, जिसके पास कम पैसा वो शॉपिंग नहीं करेगा, साफ साफ की बात है, क्लियर हुआ, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा था सर तो वो जो है ठंडे जो एरिया है उसको टेम्परेचर देने की पूरा कोशिश करता है, और इसको क्या करता है, साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है, मतलब पूरा छड़ का टेम्परेचर जो है एक समान हो जाए तब तक वो प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चों, तो ये होती है चालन का गुणधर्म। ठीक है, अब एक संवहन क्या होता है, तो संवहन के बारे में और एक नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन ये जान जाइए संवहन क्या होता है भाई। अब मैं बोलूँ कि अगर गर्मी के दिनों की बात करूँ तो गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में क्या अंतर होता है, समुद्र किनारे में जाकर देख लीजिएगा। आप गए गोवा, गोवा गए ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिनों में गोवा गए तो पता चलता है सर कि जो आसपास के नेचर है, या फिर रात में जाऊँ मैं तो रात में देखता हूँ कि रेत जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, है ना। लेकिन अब रेत ठंडा हो गया, लेकिन उसके क्या है भाई, आप गोवा गए हो बीच किनारे में हो, रेत ठंडा हो गया तो पानी का लेवल क्या रहता है, पानी टच करके देखोगे वहां गर्म दिखाई देता है, गर्म हो जाता है, वो क्यों, ये संवहन का गुणधर्म है बच्चों। कैसे, पानी जो है गर्म हो रहा है और ये जो है ठंडा है, तो मेंटेन बना कर रखा है, साम्यावस्था बना कर रखा है, फिर इससे क्या हो रहा है, गर्म जो अवस्था था और उधर ठंडा था, है ना, तो ठंडा जो उड़कर इसमें आने का प्रयास करता है,
इसका जो पानी का जो ठंडापन है, सॉरी पानी का जो गर्मपन है, वो रेत के जो क्या है भाई, रेत जो ठंडा है उसको उड़ कर आने का प्रयास करता है। वैसे दिन में क्या होता है, दिन में देखो पानी ठंडा रहता है और जो रेत है वो सूर्य के प्रकाश के कारण क्या हो जाता है भाई, ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये गर्म ही है और वो ठंडा है, तो क्या होने प्रयास करता है, वो ठंडा जो इधर उड़ कर प्रयास करता है और ये प्रोसेस चलता रहता है और हवा का चक्र बनाने लगता है। ये होती है संवहन की प्रक्रिया। क्लियर हुआ बच्चों? और विकिरण के बारे में जानते ही हो, विकिरण क्या होता है भाई, प्रकाश लाइट एक ही जगह फोकस करना। सौर ऊर्जा के बारे में बात अगर मैं करूं, सौर ऊर्जा या फिर सोलर कूलर के बारे में बात करूं, तो वो विकिरण पर बेस्ड है सर। कैसे भाई, तुम बार बार एक ही जगह पे खड़े रहो, सूर्य की रोशनी में खड़े ही रहो, पड़े ही रहो बोलो, अगर साफ साफ सब शब्दों बोलूँ तो आपका बॉडी कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना भाई। या फिर आप चुपचाप क्या करो, एक बॉक्स लो, काला बॉक्स, उसमें पका दो, दाल रख दो या फिर चावल रख दो, पक जाता है। यही तो सौर कुकर का है, वो है। सोलर कुकर का तो फायदा था ना, पहले की यूज हुआ करता था, बहुत अच्छे से यूज करते थे लोग, उसके बाद अब सौर ऊर्जा का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज की जानकारी रेडिएशन में मिलता है भाई। चलो देखते हैं, आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, क्या क्या क्वेश्चन आया था। हाँ देखो, इससे उचित संबंध जोड़े करके आया था, इजी क्वेश्चन आया था भाई, चलो देख लेते हैं। उसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में संचरण करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, देख लो ऑप्शन। जूल बोलते हैं संवहन द्वारा बोलते हैं, उसमें ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होता है। गुप्त ऊष्मा बोलते तापमान बोलते हैं, क्या आएगा भाई सोच लो जरा। फिर ऊष्मा का एसआई मात्रक, हाँ भाई एसआई मात्रक क्या होता है ऊष्मा का, ये होता है सर जूल, याद रखना। क्लियर? ठीक है, और आऊंगा अभी आंसर में। गर्माहट और ठंडक का स्तर क्या कहलाता है भाई, गर्माहट और ठंडक का स्तर क्या कहलाता है, तापमान में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मा को क्या कहते हैं। ऊष्मा का कुचालक है लकड़ी, या फिर इतना ऑप्शन में परम शून्य टेम्परेचर है ये, फारेनहाइट थर्मामीटर को क्या बोलते हैं भाई, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होगा भाई आंसर सोचो जरा, सोचो, फिर मैं आंसर देने ही वाला हूँ। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई, या फिर चलो दिमाग लगा ही लिए होंगे तो चलो चढ़ते हैं आंसर। तो पहला, ऊष्मा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में संचरण होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट का बी देखो कौन सा आंसर है भाई, फर्स्ट का बी मतलब संवहन। क्यों ये मतलब संवहन मतलब क्या, मैं बताया था इसके बारे में, ऊष्मा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में संचरण होता है, होता है भाई, हवा पानी हवा का चक्र बताया था। और गर्माहट देखो ऊष्मा कैसे मात्रक तो जूल हो गया, ठीक है। गर्माहट और ठंडक का स्तर क्या कहलाता है, देख लो आंसर भाई। तीसरा का ई, ई मतलब क्या, ये जो है देख लो ई, ये वाला तापमान, कैसे गर्माहट व ठंडक का स्तर भाई, गर्म है ठंडा है उसको क्या बोलते हैं, सोच भी लिए होंगे आप, तापमान ही आएगा इसका आंसर। तापमान में परिवर्तन क्या कहलाता है, देखो इधर है क्या, आंसर ही नहीं है, इधर है क्या, लकड़ी डेनियल से उसमें छिप कहलाता है क्या, देखो तीसरा का आंसर, देखो चौथा का आंसर सी है, सी मतलब ये उसमें ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होता है, तीसरा है क्या, हाँ तीसरा का सी, ठीक क्लियर। उसमें ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण क्या होता है भाई, गर्माहट और ठंडक का स्तर, अरे यार गलत हो गया क्या, चौथा का सी, चौथा देखो कौन सा है, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन जो है उसमें ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होता है, ठीक है। अब देखो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मा को क्या कहते हैं भाई, पांचवा देखो, पांचवा का डी देखो कौन सा है, ये गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, इस पे चलने वाला हूं मैं, इस पे जब लेक्चर में और इसके बारे में डेफिनेशन भी अच्छे से बताऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अब देखो ऊष्मा कुचालक क्या आएगा भाई, लकड़ी आएगा, लकड़ी तो है ही सर, छठवा का बी, परम शून्य टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट सातवा का जी देखो, सातवा का, अरे देखो हाँ फारेनहाइट थर्मामीटर का क्या आएगा भाई आंसर, आठवां का देखो कौन सा है भाई, डैनियल गैब्रियल, इसके ये कौन है भाई, यही तो क्या था, यही तो वैज्ञानिक था जिन्होंने इसके बारे में बताया था भाई, ठीक है। और अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाता है भाई, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हमने पढ़ा था रसायन शास्त्र के में अंतर्गत अच्छे से पढ़ा था भाई, ठीक। ये था सिंपल क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन आया था सर, रिक्त स्थान पूर्ति आया था, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है, एनर्जी है सर, खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, क्यों होता है भाई, चलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल खाली स्थान में संभव है, बताओ भाई आंसर। तो ऊष्मा खाली स्थान के कारण, देखो खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तापांतरण के कारण मतलब ताप में अंतर हो, ज्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर, तभी जाकर क्या होता है भाई, कभी आके क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब देखो, चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल खाली स्थान में संभव है, चालन, हाँ चालन जो बताया था अभी आपको, अब वो लकड़ी लिया था, सॉरी छड़ लिया था, वो छड़ क्या था,
ठोस पदार्थ था, अब ठोस पदार्थ में ही ऊष्मा का संचलन होता है चालन के द्वारा। अगर वो द्रव पदार्थ रहता तो द्रव पदार्थ को हीट करते जाता तो समान रूप से वितरित हो जाता, कब? चालन के केस में। लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? ठोस पदार्थ में होता है, ठीक है। अब विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा नंबर क्या पूछ रहा है? विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका आंसर क्या है भाई? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब विकिरण के लिए, ऊष्मा के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सीधा उसमें क्या हो जाता है भाई? उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, ऊष्मा का संचरण हो ही जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली तथा दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव होता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब देखो, बदलाव होता है कि नहीं होता है पूछ रहा है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई तथा दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई तथा दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव नहीं होता है, क्योंकि देखो फेज उसका ट्रांसफर होगा। मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन जब होता है तो उसमें टेम्परेचर का जो है, ऊष्मा के कारण जो तापमान में चेंजेस है वो होता नहीं है, कतई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। खाली स्थान को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल कहा जाता है भाई। क्या होता है भाई? वो गैलीलियो सर को ही मॉडर्न ऑफ क्या बोलते हैं? को गॉड फादर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। क्लियर समझ में आया? तो इस प्रकार भाई हमने इसका एक नंबर क्वेश्चन हमने डील कर रहा है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतने करते हैं, धन्यवाद।